एक कॉमन क्वेरी जो सभी लॉ स्टूडेंट्स के बीच में रहती है वो ये है कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रेपरेशन करने के लिए कौन सी बुक्स कंसल्ट करी जाएं। हाय गाइस, मैं हूँ आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी लॉ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो LLB के लिए हो, LLM के लिए हो, जुडिशरी के लिए हो या UPSC के लिए हो, आपको कौन सी लॉ बुक्स पर सब्जेक्ट कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब हर किसी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बुक वेरी करती है। किसी के लिए कोई बुक ईजी है तो किसी के लिए वही बुक बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस बताऊंगी हर सब्जेक्ट के लिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, दो तीन ऑप्शंस मैं हर सब्जेक्ट के लिए बताऊंगी आपको, जो आप कंसल्ट कर सकते हैं इन योर प्रेपरेशन। इसके अलावा ये ज़रूर याद रखें कि बुक्स के साथ साथ लॉ में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बेयर एक्ट की नॉलेज हो। बेयर एक्ट में किस तरह से एसेंशियल्स दिए हुए हैं हर सेक्शन में, वो आपको आना चाहिए। इसलिए अपार्ट फ्रॉम द बुक्स आई विल से ऑलवेज एंड ऑलवेज कंसल्ट एवरी बेयर एक्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बुक आती है दुक्की करके जो कैंपस लॉ सेंटर में मिलती है, AK जैन या फिर सिंगल्स की बुक आती है, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं एज अ गाइड। एंड आप उसको रेफर कर सकते हैं रिविजन के टाइम पे। वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और कंसाइज फॉर्म में बुक है, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पूरी पूरी बुक पढ़ने का, तो ज़रूर याद रखें कि आप उन बुक्स को मिस ना करें, बिकॉज उसमें भी अच्छे से दिया ही होता है कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विथ केसेस। केसेस शॉर्टर वर्जन में दिए होते हैं, बट रिविजन के लिए वो भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक मानी जाती है। तो सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू द सेम एंड बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स डेली मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं MP जैन, VN शुक्ला या फिर JN पांडे की बुक को। इसके अलावा एक बुक और है जो UPSC एस्पिरेंट्स में पॉपुलर है, वो है लक्ष्मीकांत की बुक। IPC यानी इंडियन पिनल कोड के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं KD गौर, PSA पिल्लई और रतनलाल धीरजलाल की बुक। PSA पिल्लई की बुक में आपको काफ़ी अच्छे से 299 और 300 के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। यह आपके ऊपर है कि आपको इन सब में से कौन सी बुक पसंद आती है। आप लाइब्रेरी जाइए, बुक्स उठाइए, ये अलग अलग जो भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ, आप देखिए कि आपको क्या बेटर समझ में आता है एंड वही बुक लीजिए। इनके अलावा एक बुक आती है RC निगम करके, ये काफ़ी पुरानी बुक है और ये CLC में दिनकर बुक स्टॉल पे आपको मिल जाएगी। ये बुक मार्केट में एज सच अवेलेबल नहीं है, बट वहाँ पे आपको ऑर्डर देने पर ये बुक मिल सकती है। इसमें काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी हुई है IPC को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं मुल्ला, जो कि काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉमेंट्री मानी जाती है। ये काफ़ी मोटी बुक होती है एंड ये एक बाइबल मानी जाती है कॉन्ट्रैक्ट और CPC के केसेस में। इसके अलावा इजी वर्जन्स हैं अवतार सिंह और RK बांगिया। अवतार सिंह काफ़ी इजी और अच्छी बुक मानी जाती है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए। टॉर्ट लॉ की बात करें तो RK बांगिया या फिर रतनलाल धीरजलाल की बुक ले सकते हैं आप। रतनलाल धीरजलाल एक कॉमेंट्री की तरह है एंड उसमें काफ़ी अच्छे से और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। जूरिस प्रूडेंस के लिए आप देख सकते हैं परांजपे की बुक या फिर BN त्रिपाठी की बुक। और अगर आप फॉरेन ऑथर्स कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी सैलमन या डायस की बुक देखें। सिविल प्रोसीजर कोड के लिए टकवानी, मुल्ला या फिर MP जैन कंसल्ट कर सकते हैं। टकवानी काफ़ी इजी और अच्छी बुक मानी जाती है CPC के लिए। CPC की जब भी बात आती है तो टकवानी को काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी इजी तरह से पूरा कोड समझाया हुआ है। CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं RV केलकर, रतनलाल धीरजलाल या फिर SN मिश्रा की बुक। जब भी हम CRPC की बात करते हैं, RV केलकर काफ़ी फेमस बुक मानी जाती है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है CRPC को लेके एंड इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि क्लबिंग ऑफ सेक्शंस कैसे कर सकते हैं। एविडेंस लॉ के लिए आप देख सकते हैं बटुकलाल या अवतार सिंह की बुक। हिंदू लॉ की अगर बात करें तो इस केस में जो पॉपुलर बुक्स मानी जाती हैं वो हैं पारस दीवान, मुल्ला या फिर पूनम प्रधान सक्सेना। अब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है पारस दीवान बहुत अच्छी बुक है एंड काफ़ी लोगों को पारस दीवान काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा बेटर समझ में आता है, आप वही बुक लीजिए। मुस्लिम लॉ के लिए ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है। अकील अहमद और मुल्ला
अच्छी बुक्स मानी जाती हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए एसके कपूर या गुरदीप सिंह की बुक अच्छी मानी जाती है। गुरदीप सिंह ज़्यादा प्रेफरेबल है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि वो काफ़ी ईजी वर्जन में पूरा इंटरनेशनल लॉ एक्सप्लेन करती है। और अगर आप फॉरेन ऑथर्स कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं शॉ या फिर स्टार्क की बुक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की बुक्स के लिए आप देख सकते हैं वीके आहूजा या फिर पी नारायणन की बुक। सो गाइज, मैंने इस वीडियो में मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स कवर करी हैं। अगर आप अच्छी नॉलेज चाहते हैं, अच्छे से डीपली पढ़ना चाहते हैं तो इन बुक्स को पढ़िए। पर अगर आप जल्दी में हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो बेयर एक्ट और दुखी कंसल्ट करिए। इसके अलावा इन बुक्स का जो भी लिंक्स हैं, ये कहाँ अवेलेबल हैं, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी आप लोगों के लिए। और अगर आप कोई और भी सब्जेक्ट की बुक के बारे में जानना चाहते हैं, देन प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन अबाउट इट इन द कमेंट्स बिलो।